Welcome back to another accounting video of class 12, and today we will discuss another important topic, revaluation account. Since अभी हम retirement chapter की videos को cover up कर रहे हैं, तो revaluation हम पढ़ रहे हैं. But revaluation का जो concept है, वो सिर्फ और सिर्फ retirement के chapter में नहीं है, बल्कि admission में भी same follow होगा और death में भी same follow होगा. तो ये जो आज हम एक particular concept समझने जा रहे हैं, ये admission के chapter में भी same रहेगा, रिटायरमेंट में भी सेम रहेगा और डेथ में भी सेम रहेगा. सो अब हम इसको एक बार समझना शुरू करते हैं. जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख रहे हो तो यहाँ पर हमें एक रूल समझना होगा. सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. बट जब यही चीज हम जर्नल एंट्री को फॉलो करेंगे तो फिर हम वहां पर मॉडर्न अप्रोच लगा करके एसेट और लाइबिलिटी का रूल फॉलो करेंगे. तो एक एक करके हम जरा समझना स्टार्ट करते हैं. उससे पहले छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं. सिंपल सी चीज है बेटा, डेबिट और जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ रहे हैं तो हमें नॉमिनल रूल को फॉलो करना है. नॉमिनल रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. सो बच्चों, यहां पर डेबिट साइड वही चीजें आई होंगी जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए एक्सपेंस या फिर लॉस है, और क्रेडिट साइड वही आइटम्स आएंगे बेटा जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कुछ प्रॉफिट या फिर गेन होंगे. अब आपको समझना है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में बनाते क्यों हैं. जब भी पार्टनर एडमिट हो, जब भी पार्टनर रिटायर हो, या जब भी पार्टनर की डेथ हो, इस केस में क्या होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो फिर जो एसेट और लाइबिलिटी में पार्टनर्स का शेयर होता है उसे भी चेंज करना पड़ता है. तो उस चीज के लिए हमें अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करना होता है, और इसीलिए हम समझते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. दैट मींस रीवैल्यूएट यानी रीकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब आपको समझना सबसे पहले क्रेडिट साइड के आइटम्स. बेटा मैंने लिखा सबसे पहली चीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर आपके बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, एंड सिंस बिजनेस के लिए प्रॉफिट है सो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. तो उसको हमने कहां शो किया, क्रेडिट साइड पे. छोटी सी चीज ये भी है कि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा. बेटा जितने से चेंज आ रहा है, जितने से रीवैल्यूएट हुआ है, मतलब ये बेटा कि सपोज कीजिए पहले बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख थी, अभी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 7 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपए से इंक्रीज हुई है. तो जितनी वैल्यू इंक्रीज होती है उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं. नेक्स्ट चीज है बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. पहले आपको किसी के लिए लोन या कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट करने थे 50,000 के, अभी आपको 45,000 पे करने हैं. 5,000 का आपको एक बेनिफिट मिल गया, सो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, आपके वो क्रेडिट साइड चला गया. फिर नेक्स्ट चीज है बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट. बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज है, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बट वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट तो देगा ही देगा, या फिर हम उसे जब भी बेचेंगे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारे लिए इनकम तो है ही, सो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, सो अनरिकॉर्डेड एसेट भी हम यहाँ शो करते हैं. फिर हमारे डेबिट साइड, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, मतलब एसेट की वैल्यू सपोज के लिए डेप्रिशिएट हुई, तो बिजनेस के एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बिजनेस के लिए एक टाइप का लॉस है, एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, सो हमने उसको डेबिट साइड पोस्ट किया. देन इसके अलावा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. पहले आपको लायबिलिटी 50 पे करनी थी, अभी आपको 60 पे करनी पड़ रही है. तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा पे करना है ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट. देन इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. बेटा आपको किसी को पे करना था, आप भूल गए या फिर नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बट पेमेंट तो करनी पड़ेगी, एंड सिंस आपको पेमेंट करनी है आपके लिए लॉस है, सेम ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, हमने इसको यहां पर डेबिट साइड लिखा. अब नेक्स्ट चीज बैलेंसिंग फिगर. बच्चों यहां पर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा. बैलेंसिंग फिगर हमने यहां पर प्रॉफिट क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड कम आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आएगा जिसमें हम क्या शो करेंगे, प्रॉफिट. और बेटा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, सेम है, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आया क्रेडिट साइड कम आया बेटा तो वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगा, एंड लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो. अब उसके बाद आते बेटा हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट. मैंने इसको पूरी तरीके से कंबाइन करके जर्नल एंट्री को शो किया, हम उसी तरीके से समझने बेटा. अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है बेटा तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है
डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट यानी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डेबिट। तो बेटा इसीलिए ये तीनों चीजें डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। या फिर अगर आपको उसकी ट्रिक समझनी हो तो बेटा जैसे कि आप 11 लेजर अकाउंट पढ़ते थे तो यहाँ पर वो चीजें आती थी जो जैसे सपोज कीजिए आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर बेटा वो चीजें आती थी जो उसके साथ डेबिट में होती थी, ठीक है, और यहाँ पर वो चीजें आती थी जो उसके साथ क्रेडिट होती थी। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो मैं अगर कैश का अकाउंट बनाता तो मैं यहाँ टू कैपिटल शो करता, तो मतलब यहाँ के सारे आइटम्स क्रेडिट में शो होते थे। ये तो ट्रिक हो गई, बट अगर रूल समझना हो तो आप लोग देख सकते हो मैंने क्रेडिट में क्या रहा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो बच्चों अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होता है क्रेडिट होता है। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसकी वजह से लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करता है, एंड सिंस जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है क्रेडिट होता है। ये दो जनरल एंट्री हो गई। बेटा अगर प्रॉफिट आया यहाँ पर था सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए बी एंड सी में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल, बट बाई चांस अगर लॉस हुआ बेटा तो उस केस में यहाँ पर लॉस शो करते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमेशा आपको आएगा ही आएगा, इट्स अ डैम गारंटी क्वेश्चन कि ये आपको क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा बोर्ड के पेपर में। सो अभी के लिए हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझना। ओके सो बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर का रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होगी बेटा कि पार्टनर्स कैपिटल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रीजन इज कि पार्टनर्स कैपिटल जब भी अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन, तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ना बनाना पड़े। सो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा था और अभी हम समझने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया, इसमें हम एक चीज एज्यूम करेंगे और वो ये एज्यूम करेंगे कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिसके अंदर बी पार्टनर रिटायर हो रहा है। So I repeat, हम ये assume करके चल रहे बेटा कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके लिए इतना टफ नहीं होता रिटायरमेंट पढ़ते वक्त, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एडमिशन के चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा होता है। काफी हद तक ये दोनों फॉर्मेट सेम होते हैं एक्सेप्ट गुडविल के ट्रीटमेंट को छोड़ करके, वहां पर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती थी और यहां पर हमें रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होगी। तो हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड के आइटम्स को डिस्कस करता हूं और उसके बाद हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे तरीके से समझना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज कि मैंने बेटा बाय बैलेंस बीडी। सो बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने साथ कितनी कैपिटल लेकर के आए थे, जो कि बच्चों कहां गिवन होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। दूसरी चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट मेंशन है एंड रिवैल्यूएशन का अकाउंट का लॉस मेंशन है। तो बेटा जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अगर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आता है तो बेटा हम उसको पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय मेंशनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट एंड ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है जनरल रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, आई रिपीट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, अगर इन चारों में से कोई भी आइटम गिवन होता है और उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट या फिर क्लेम मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो बेटा इसे हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका रीजन ये होता है बेटा सिंस सबसे पहले प्रॉफिट बिजनेस का आता है तो बिजनेस उस प्रॉफिट में से मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स बनाती है जो हर साल बिजनेस अपने प्रॉफिट में से उस रिजर्व को बनाती है। अगर उस रिजर्व का कोई भी क्लेम या फिर कोई यूज नहीं आया तो बेटा एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट किसको मिलने वाला था पार्टनर्स को मिलने वाला था, और अगर उसका कोई भी क्लेम नहीं आया तो बेटा हम उसे वापस किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर वापस से वो रिजर्व
मेंटेन किया जाएगा ही जाएगा। अब इसके अलावा आप अगर देखोगे तो यहां मैंने लिखा है बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, और अमाउंट कहां मेंशन किया उसका बी के कॉलम में मेंशन किया है। मैं एक बार वापस से आपको रिमाइंड कराता हूं बेटा कि यहां पर कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, बी पार्टनर रिटायर हुआ है। तो ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट है बेटा रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की, ये ट्रीटमेंट है बेटा रिटायरिंग यानी बी के गुडविल की। अब ये कैसे हो रहा है उसके लिए आप मेरे को दो मिनट का वक्त देंगे, उससे पहले मैं आपको बाकी सारे आइटम जरा समझा देता हूं। रिवैल्यूएशन का लॉस, अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमारा लॉस आया तो बेटा हम उसे क्या करेंगे पार्टनर्स के डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट के एसेट साइड, आई रिपीट बैलेंस शीट के एसेट साइड, अगर आपको तीन आइटम में से कुछ भी आइटम गिवन हुए जैसे कि गुडविल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल, इन तीनों आइटम्स में से कुछ भी आइटम अगर आपको गिवन हुए तो बेटा हम उसे क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने यहां लिखा है बीस कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसका अमाउंट कहां मेंशन किया है ए और सी के कॉलम में किया है। अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों और फिर हम लास्ट में इसको समझते हैं। देखो बेटा जब हमने गुडविल की जर्नल एंट्री, इससे छोटे से मतलब वक्त पहले हमने समझा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री क्या होती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो बेटा बी अपना शेयर ऑफ गुडविल किसको देता है ए एंड सी को देता है, दे रहा है कौन दे रहा है बी दे रहा है, तो बी हो गया बेटा गिवर एंड ए एंड सी हो गए रिसीवर, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेटा अब आपको यहां पर समझना है हु इज द गिवर, बी इज द गिवर, बी बेटा गिवर है, किसको किसको दे रहा है ए और सी को दे रहा है। तो इसीलिए बेटा हमने यहां पर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की ट्रीटमेंट की, सिंस बी गिवर है तो बी क्या होगा क्रेडिट होगा, और वो किसको किसको दे रहा है ए एंड सी को, रिसीवर कौन है बेटा ए और सी रिसीवर है, ठीक है तो वो डेबिट हो गए और किससे रिसीव किया बेटा बी से रिसीव किया। तो ये ट्रीटमेंट हो गई बेटा रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, सिंस बी गिवर है तो ऑब्वियसली बी गिवर है, किसको किसको गिवर है बेटा ए एंड सी को, एंड ए एंड सी रिसीवर है तो किससे रिसीव कर रहे हैं बी से रिसीव कर रहे हैं। तो ये हो गए इसकी रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल की ट्रीटमेंट। अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन को अभी तक मैं छोड़ दूं तो बाकी ये पूरा फॉर्मेट बेटा एग्जैक्ट सेम था जो हमने एडमिशन के पार्टनर्स कैपिटल में समझा था। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहां लिखा है बीज लोन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर, बेटा ध्यान से समझना हम बैलेंसिंग फिगर में निकालते थे बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, जो कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते थे जो अभी करेंट पार्टनर होते थे उनका आता था। सिंस बी रिटायर हो गया बेटा तो फर्म को बी को कुछ पे करना होगा, और बेटा इसीलिए सिंस अभी तक पे नहीं किया है तो फॉर्म उसको किस चीज से डिनोट करता है बी के यानी रिटायरिंग पार्टनर के लोन के नेम से। तो यहां पर जो बी का बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे बीज लोन अकाउंट के नेम से, एंड बाकी जो ए और सी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका बैलेंसिंग फिगर किस नेम से आएगा बेटा बैलेंस सीडी के नेम से। सो विदाउट एडजस्टमेंट अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझना हो तो ये रहा हमारा पूरा फॉर्मेट और वो था उसका डिस्कशन। इसके बाद के वीडियो में बेटा हम समझना स्टार्ट करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं, जैसे एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसी तरीके से बेटा रिटायरमेंट के अंदर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन होता है जिसको हम आने वाले वीडियोस में समझना स्टार्ट करेंगे। और फिर एक दिन आपको एक वीडियो के अंदर लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का प्रोसीजर या फिर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन कैसे होती है वो समझेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो इस फॉर्मेट के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन भी होगी जो मैंने मेंशन कर रखी है, सो यहां पे भी आपको समझना आ जाएगा और साथ साथ प्रेजेंटेशन से आप अपने लिए नोट्स वगैरह भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। जितने भी मैं आपको वीडियोस यहां पर देता जा रहा हूं बेटा हर एक वीडियोस के साथ आप नोटिस करोगे तो प्रेजेंटेशन अटैच करके दे रहा हूं मैं, वो आपके नोट्स बनाने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इस टाइम पे आप कहीं पर पढ़ने जा नहीं सकते तो उस केस में नोट्स प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए उन सारी चीजों के लिए मैं आपको वीडियो बाय वीडियो प्रेजेंटेशन अटैच करता जाऊंगा। ठीक
ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हम आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।